हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ये कैप बनाना बता रही हूँ। इसे आप जेंट्स के लिए भी बना सकती हैं, लेडीज के लिए भी बना सकती हैं, गर्ल्स के लिए भी बना सकती हैं, बच्चों के लिए भी बना सकती हैं, किसी के लिए भी आप इस कैप को बना सकती हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए, जो हमारी बिगनर्स पहने हैं, जो नया नया बुनना सीख रही हैं, वो भी इस कैप को बहुत आराम से बना लेंगे। इसको आप चाहे तो ऐसे पहनिए, या आप चाहें तो आप इस तरह से फोल्ड करके भी इसको पहन सकते हैं। बहुत सुंदर कैप है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये 14-15 साल की बच्ची का साइज है, 14-15 साल की लड़की का ये साइज है। और इसको बनाने के लिए ये मैंने 85 फंदे लिए हैं, 10 नंबर की सिलाई यूज की है। और जो वूल है वो हमारा इस तरह का है, 10 नंबर सिलाई पर चलेगा। एट्टी फाइव फंदे सिलाई पर लेकर ये मैंने 128 सिलाई बुन ली है। सभी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूं कि इसको कैसे बुनना है। जितने फंदे आपको डालने हैं उस हिसाब से आप वूल को डबल कर लीजिए। ये मैं थोड़े से फंदे डालूंगी तो मैंने इतना वूल ले लिया है। अब देखिए, डबल वाला जो है वो हम इस साइड रखेंगे, जो डबल वूल की है वो इधर साइड रहेगी, और ये हमारी वर्किंग वूल है। ये हमारे देखिए दो फंदे हुए। ये तीन फंदे, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ये मैंने यहां पर 10 फंदे डाल लिए हैं। इसी तरह से आपको आगे फंदे डालते जाना है। 85 फंदे ये मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। अगर आपको इसी साइज का कैप बनाना है तो आप 85 फंदे डालिए। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप और ज्यादा फंदे डालिए। अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो आप फंदे ये कम डालिए। इसके बाद देखिए, सभी सिलाइयां हम कैसे बुनेंगे। सारी सिलाइयां हमें उल्टी उल्टी बुन लेनी है। मैं आपको दो सिलाई बुन कर दिखा देती हूँ। इसी तरह से आप आगे की सिलाइयां बुनेंगे। देखिए, हमारी पहली सिलाई, ये हमारी सीधी सिलाई है लेकिन हमें उल्टी बुननी है। अब ये हमारी उल्टी सिलाई, ये उल्टी सिलाई भी हमें पूरी उल्टी ही बुननी है। अभी जैसे ये दो सिलाई मैंने बुना है, ऐसे ही आपको सभी सिलाइयां उल्टी बुनते हुए आगे इसको बनाते जाना है। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से बना लिया है। कहीं कोई फंदा ना तो घटाना है और ना बढ़ाना है। ये मैंने 128 सिलाई बुन ली है। अब देखिए आगे क्या करना है। जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए, आप अगर चाहें तो आप थोड़ा सा कम या ज्यादा भी बुन सकती हैं। अगर आप छोटा साइज बना रही हैं तो आप इसकी लेंथ भी कम बुनिए। अगर आप बड़ा साइज बना रही हैं तो आप ये सिलाइयां और ज्यादा डालिए।
और लंबा बुनी है। जब आपकी लंबाई पूरी हो जाए तो देखिए आपको क्या करना है कि ये सारे फंदे दो के एक बना लेने हैं। ये देखिए दो फंदे हम एक साथ लेंगे, और दो का एक बुन लेंगे। फिर से ये दो फंदे एक साथ लिए और दो का एक बुन लिया, दो फंदे एक साथ लिए दो का एक बुन लिया, फिर से दो फंदे एक साथ लिए दो का एक बुन लिया। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से बना लेनी है, दो फंदे का एक फंदा बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो का एक करते हुए जब हम लास्ट में आएंगे तो यहां पर ये हमारा एक फंदा बचेगा, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, अब हमें इसको काट लेना है। वूल हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे जिससे कि सिलाई में काम आएगा। इधर से इसको नीडल में डालना है और हमें सारे फंदे अब बांधने हैं। तो देखिए कैसे बांधना है। इन फंदों को हम ऐसे लेंगे, ध्यान से थोड़ा सा कोई भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए। ये देखिए एक बार हो गया। अब हमें एक बार और कर लेना है जिससे कि ये हमारा मजबूत हो जाएगा। तो अब की बार हम ये सारे फंदे इस तरह से सिलाई पर से गिराते जाएंगे और नीडल में लेते जाएंगे। पहले हम इसको खींचेंगे, हमें इसको अच्छे से खींच लेना है। ये देखिए ये हमारा टाइट हो गया यहाँ पर। अब एक गांठ भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से लगानी है, ये जो बीच का जो ये छेद सा है होल, इसमें से डालेंगे सुई को और ऐसे ये हमारी गांठ लग जाएगी। अब इसको हमें
सिल लेना है पूरा। यहां से सिलते हुए हम यहां तक आएंगे, पूरा हमें इसको सिल लेना है यहां तक। देखिए ये जो हमारी लाइनिंग है इसको हम मिलाते हुए सिलेंगे, इधर की लाइन और इधर की, दोनों साइड की लाइन जो है वो हम मिलाते हुए इस तरह से सिलेंगे। देखिए ये हमारी इधर वाली है और ये दूसरी साइड वाली। सिलाई पास पास करनी है। ऐसे ही हम इसको पूरा सिल लेंगे यहां तक। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है और ये इस तरह से बन करके आ गया है। ये पीछे का साइड है और ये आगे का साइड है। अब हम एक पॉम्पॉम बनाकर यहां पर लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहती हैं तो आप लगाएं, और अगर आप नहीं लगाना चाहें तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। ये हमारा इस तरह से आएगा हेड पर। तो देखिए पॉम्पॉम कैसे बनाया जाएगा। इस तरह से वूल को हम दो उंगलियों पर लपेटेंगे। जितना बड़ा पॉम्पॉम आपको बनाना है उतना आप लपेट लीजिए। अब देखिए यहां से हम इसको ऐसे लाए और यहां पर बांध दिया। एक बार और अब इसको यहां से काट लेना है। इसको यहां से थोड़ा सा और अच्छी फिनिशिंग देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम सुई से यहां पर अटैच कर देंगे। अब एक गांठ लगाएंगे और इसको काट देना है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जो कैप है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। इसको आप चाहे तो ऐसे लगाएं, चाहे तो आप इधर से फोल्ड करके इस तरह भी लगा सकते हैं।
मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल.